दिल्ली पुलिस ने लश्करे तैयबा के एक आतंकी को गिरफ्तार किया है। आप देख रहे हैं स्टेट टाइम्स, मैं हूं मायरा। आपको बता दें कि बड़ी खबर सामने आ रही है। हाल ही में कुपवाड़ा में भंडाफोड़ किए गए आतंकी मॉड्यूल का जो मुखिया है उसे दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है और उनकी गिरफ्तारी जो है रेलवे स्टेशन से की गई है। आपको बता दें कि इनका काम जो है वो क्या रहता था, एलओसी के पार से आर्म्स और अम्यूनिशन प्राप्त करने में महत्वपूर्ण जो भूमिका है वो ये निभाया करते थे। लेकिन फिलहाल सबसे बड़ी खबर जो है वो सामने आ रही है, जहां पर इन्हें गिरफ्तार जो है वो किया गया है। दिल्ली पुलिस ने लश्करे तैयबा के एक आतंकी को जो है अरेस्ट कर लिया है। फिलहाल जो है इन्वेस्टिगेशन इसमें चल रही है। और साथ ही आपको फिर बता दूं कि लश्करे तैयबा मॉड्यूल ऑपरेटिंग जो जम्मू कश्मीर में हो रहा था उसके जो मुखिया है वो ये थे, उन्हें अब दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया गया है और अपनी कस्टडी में जो है वो लिया है। अब मैं आपको इनकी पहचान भी बता दूं कि इनका नाम है रियाज अहमद। रियाज अहमद एलओसी के पार से आर्म्स और अम्यूनिशन को प्राप्त करने में जो है एक अहम भूमिका जो है वो निभा रहे थे और अब फिलहाल दिल्ली पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया है और अपनी कस्टडी में लिया है। लगातार इनसे पूछताछ की जा रही है और इसमें जो भी डिटेल्स सामने आएंगी आप तक साझा जो है जरूर की जाएगी। लेकिन फिलहाल आपको फिर से मैं बताने की कोशिश करूं कि हाल ही में कुपवाड़ा की जहां तक बात की जाए तो वहां पर भांडाफोड़ किए गए एक आतंकी मॉड्यूल के मुखिया जो है ये रहे और इन्हें अब दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। और दिल्ली के रेलवे स्टेशन की जहां तक बात की जाए तो रेलवे स्टेशन न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से इन्हें गिरफ्तार किया गया। अभी तक की सबसे बड़ी खबर एक आतंकी को न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल के लिए इतना ही, आप ऐसे ही देखते रहिए और भी अपडेट्स के लिए स्टेट टाइम्स।